है इसके सेंटर में। यहाँ पर TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर TVS का लोगो हमें 3D में देखने को मिलता है। फिर बाइक में हमें कोई भी हमें इंजन कट ऑफ किल स्विच देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके सबसे बड़े अपडेट की जो कि TVS ने अपनी स्पोर्ट्स में किया है। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नॉड और प्रॉपर इसकी सीट हाइट भी चेक कराता हूँ। हाई बीम लो बीम भी चेक कराता हूँ। ये देखिएगा, ये इसका हाई बीम लो बीम। आप अभी अपने साथ में है TVS स्पोर्ट्स 110cc। दोस्तों अब इसमें TVS की ओर से कुछ अपडेट किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट हुए हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप अपने लिए 110cc में स्पोर्ट्स एंड माइलेज वाली बाइक सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल राहुल जैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस बाइक के कलर्स ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों इस बाइक में हमें मल्टीपल कलर्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी अपने साथ में जो खड़ा है इसका ग्रे कलर खड़ा। आइए बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मींस इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन के बारे में। दोस्तों अगर वजन की बात की जाए तो यह बाइक हमें 112 kg वेट के साथ में मिलती है। सीट हाइट की बात करूं तो 790 mm की हमें इसमें सीट हाइट देखने को मिलती है। और इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 175 mm का हमें इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 1950 mm की हमें इसमें लंबाई देखने को मिलती है और 705 mm की हमें इसमें चौड़ाई देखने को मिल जाती है। और ऊँचाई की बात की जाए तो 1080 mm की हमें इस बाइक की ऊँचाई देखने को मिलती है। आइए अब इस बाइक को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। यह है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, यह है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखा देता हूँ। हेड एंड इसके वाइजर का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, ये देखिएगा। ग्लॉसरी ब्लैक कलर में हमें इसकी विंड स्क्रीन देखने को मिलती है इसके सेंटर में। यहाँ पर TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। वाइजर हमें इसका कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है ग्रे कलर के साथ में। फ्रंट हेडलैम्प सेटअप की बात की जाए तो इसमें हमें हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर की बात करें तो नॉन फ्लेक्सिबल हमें इसमें हेलोजन बल्ब के साथ में इसके टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसका नंबर प्लेट का सेक्शन देखने को मिलता है और इसमें हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। मडगार्ड ड्यूल टोन में देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रे कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैट फिनिश में ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें इसमें रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट बात करें इसके फ्रंट एलॉय की तो फ्रंट में हमें 17 इंच के इसमें एलॉय देखने को मिलते हैं। टायर की बात कर लेते हैं, टायर हमें इसमें देखिएगा TVS कंपनी के टायर मिलते हैं और ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। ये ट्यूब वाले टायर की पहचान है। और फ्रंट टायर साइज़ है 2.75x17 इंच के हमें फ्रंट टायर देखने को मिलते हैं। और फ्रंट टायर की ग्रिप में दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की इसकी फ्रंट टायर की ग्रिप हमें देखने को मिलती है। बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो फ्रंट में हमें इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। और इसके जो फ्रंट मीटर की कनेक्टिविटी है फ्रंट टायर से ही देखने को मिलती है, ये देखिएगा, क्योंकि इसमें सिंपल मीटर मिलता है, एनालॉग मीटर मिलता है, डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसके जो मीटर की कनेक्टिविटी है हमें फ्रंट टायर से ही देखने को मिलती है। देते हैं इसके फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर TVS का लोगो हमें 3D में देखने को मिलता है। फ्यूल कैप हमें क्रोम में देखने को मिलती है। E20 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसके फ्यूल टैंक को ऊपर से दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इस बाइक में हमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इस एंगल से मैं आपको इसका टैंक हैंडल एंड ORBM दिखा देता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार का है। आइए बात कर लेते हैं इसके सभी फीचर्स बटन की। यहाँ पर डेडिकेटिंग पासिंग स्विच देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है। इसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर का स्विच और नीचे हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर हमें इंजन स्टार्ट किल स्विच देखने को मिलता है। इस बाइक में हमें कोई भी हमें इंजन कट ऑफ किल स्विच देखने को नहीं मिलता है। की बात करें तो नॉर्मल की मिलती है, कोई भी वेब की इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं इसके सबसे बड़े अपडेट की जो कि TVS ने अपनी स्पोर्ट्स में किया है, वो है इसका मीटर। ये देखिएगा, अब हमें इसमें सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलने लगा है। पहले इसमें हमें कुछ अलग प्रकार का मीटर देखने को मिलता था, अब हमें इसमें यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलने लगी है। इसके लेफ्ट साइड में हमें इसका मीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर, ऑडियो मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके सेंटर में TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका फ्यूल गेज देखने को मिलता है। यहाँ पर पावर लाइट देखने को मिलती है, इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेटर देखने को मिलता है और यहाँ पर हाई बीम लो बीम की लाइट,
और यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर की लाइट, अब इसमें शायद साइड स्टैंड, हाँ सर, इसमें अब दोस्तों साइड स्टैंड की नेविगेशन लाइट का फीचर्स भी अब स्पोर्ट्स में आने लगा है, ये देखिएगा काफ़ी प्रीमियम है। इसमें हमें सिंगल हॉर्न मिलता है, हॉर्न का साउंड भी सुनवा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार का इसका हॉर्न साउंड है, ठीक ठाक हॉर्न साउंड है। और इसमें एक कंपनी फ्रीडी हमें क्रैश गार्ड देखने को मिलता है जो कि इस प्रकार का है। बात कर लेते हैं इसके गियर की, तो इस बाइक में हमें चार गियर देखने को मिलते हैं, फर्स्ट डाउन ऑल अप के साथ में, और यहाँ पर TVS के बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसकी साइड पैनल की बैजिंग कुछ इस प्रकार की है जो कि आपकी मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में साइड स्टैंड कंट्रोल किल स्विच भी मिलता है, सेंटर स्टैंड भी मिलता है, और इसका चैन कवर्ड हमें फाइबर में मिलता है और फुली कवर्ड मिलता है। रियर फुट पैड हमें फोल्डेबल मिलती है। इसकी जो सीट की बात करें तो सीट काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा कुशन का यूज़ इसमें TVS की ओर से किया गया है। यहाँ पर स्ट्रैप, दूसरे कलर की स्ट्रैप देखने को मिल जाती है, ग्रे एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में हमें इसकी सीट देखने को मिलती है। सीट कवर पर ये देखिएगा यहाँ पर स्पॉट्स को मेंशन किया गया है। ग्रैबरिल की बात की जाए तो ग्रैबरिल हमें इसका सॉलिड मेटल में देखने को मिलता है। और बात करें इसकी टेल की तो टेल पर ये देखिएगा यहाँ पर TVS को मेंशन किया गया है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, तो रियर में हमें इसमें कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉकर यूज़ किए हैं। यहाँ पर की लगाने का सेक्शन दिया गया है जिसकी हेल्प से हम इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको एक साइड गार्ड देखने को मिलता है, लेडी फुट पैड भी देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। बात करें इसकी टेल की तो टेल हमें इसकी हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलती है, ये देखिएगा कुछ इस प्रकार की इसकी टेल देखने को मिलती है। हैलोजन बल्ब के साथ में हमें इसका साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है, थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर नंबर प्लेट का सेक्शन देखने को मिल जाता है, और इसमें कोई भी नंबर प्लेट के लिए लाइट TVS की ओर से नहीं दी गई है, इसकी टेल से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं इसके रियर टायर और रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो रियर का जो टायर है हमारा इसमें TVS कंपनी का इसमें टायर देखने को मिलता है, और रियर टायर साइज़ हमारा है इसका, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा 3.00x17 inches का हमें रियर टायर देखने को मिलता है, यानी कि आगे वाले टायर से पीछे वाला टायर हमें इसका थोड़ा चौड़ा देखने को मिलने लगा है। रियर टायर की ग्रिप कुछ इस प्रकार की है, ये देखिएगा। आइए बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। यहाँ थोड़ा सा मुझे अभी भी इसमें ये अपडेट TVS को इसमें करना चाहिए था। इसके जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर में हमें 110 mm का ही ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम अभी भी मिल रहा है, इसमें TVS को अपडेट कर देना चाहिए यार। मैंने पिछली वीडियो पहले इसकी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी यही चीज़ मिला था मुझे, अभी भी TVS ने इसको अपडेट नहीं किया है। बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर आपको इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मफलर देखने को मिल जाता है, सीट कवर पर अगेन स्पॉट्स को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसके ब्रेक पैडल कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इस बाइक में हमें किक ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर इसके TVS की बैजिंग देखने को मिलती है। आइए अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की। दोस्तों TVS इसमें TVS की ओर से 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल V6 फोर स्ट्रोक एंड टू वॉल के साथ में बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर सेगमेंट का इंजन लगाकर दिया गया है, जिससे हमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। माइलेज एंड इसके सर्विस शेड्यूल की बात वीडियो में आगे। मैक्सिमम पावर है 8.18 bhp की 7500 rpm पर, और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है 8.7 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है 4500 rpm पर। इसके जो टॉर्क और पावर का कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा TVS की ओर से रखा गया है, जिसकी वजह से हमें इसे काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नॉड और प्रॉपर इसकी सीट हाइट भी चेक कराता हूँ। ये देखिएगा मेरी हाइट 6 feet है, और 6 feet हाइट वाले बंदे के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है यार, क्योंकि मेरे पैर तो आसानी से धरती को टच कर रहे हैं, और जिन लोगों की हाइट कम है ना उनके लिए तो ये बेस्ट सेगमेंट है। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको इसका इंजन साउंड और एग्जॉस्ट नॉड भी सुनवाते हैं। फर्स्ट टाइम में यह बाइक स्टार्ट हो जाती है, आइए इसका एग्जॉस्ट नॉड सुनवा देता हूँ, सुनिएगा, थ्रॉटल देता हूँ। काफ़ी अच्छा मुझे इसका इंजन साउंड लग रहा है। आपको इसका इंजन साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जॉस्ट नॉड भी सुनिएगा, आप इसके फ्रंट हेडलाइट का थ्रो भी दिखा दीजिएगा एक बारी, ये देखिएगा कितना अच्छा थ्रो इसका। हाई बिम लो बिम भी चेक कराता हूँ, ये देखिएगा ये इसका हाई बिम लो बिम। आपको इसका इंजन साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें आइए, इसमें कोई भी हमें इंजन कट ऑफ किल स्विच नहीं मिलता है। यहाँ देखिएगा
कोई भी इंजन कट ऑफ किल स्विच हमें इस बाइक में नहीं मिलता है, इसकी की से ही हमें इसके इंजन को ऑफ करना होता है। आइए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, वारंटी एंड इसके सर्विस शेड्यूल की। दोस्तों बात करें अगर इसके प्राइस की, तो यह बाइक हमें मात्र 60,800 रुपये की एक शोरूम देखने को मिल जाती है, और कंप्लीट ऑन रोड आते आते यह बाइक मात्र 73,800 रुपये में आपको देखने को मिलती है। बहुत ही सस्ती बाइक है और माइलेज सेंटिक बाइक है, एवरेज बाइक है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी टीवीएस की ओर से इसकी रखी गई है। बात करूँ अगर इसके माइलेज की, तो माइलेज भी यह बाइक हमें ठीक ठाक प्रोवाइड कराती है। इस बाइक से आप आराम से 75 से 80 तक का एवरेज ले सकते हैं। बाकी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है किस प्रकार की आपकी राइडिंग कंडीशन है, किस प्रकार की आपकी रोड कंडीशन है। और बात करूँ अगर इसकी वारंटी की, तो टीवीएस की ओर से इसमें 5 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड की जाती है 60,000 किलोमीटर तक। बात की जाए अगर इसकी सर्विस की, तो टीवीएस की ओर से हमें इसमें 5 फ्री सर्विस ऑफर की गई हैं, जिसका शेड्यूल आपको जब इसको आप परचेस करेंगे इसकी सर्विस बुक में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। दोस्तों अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए, तो इसका जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट में ही है। जो इसके मीटर में अपडेट हुआ है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट में ही है। दोस्तों एक मुझे इसमें जो नेगेटिव पॉइंट लगा है, वो पहले भी मुझे लगा था और अभी भी मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट वही इसमें जच रहा है। एक तो इसमें रियर में आपके 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि इसके इस सेगमेंट की बाइकें हैं। आप CD110 ले लीजिएगा होंडा की, और हीरो की HF डीलक्स, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्लस, ये सारी चीज बाइकों में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है रियर में। इस बाइक में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इस बाइक को, इस चीज़ को TVS को अपडेट कर देना चाहिए, मुझे ये इसका नेगेटिव पॉइंट लगा है। बाकी दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट इसमें लगा है, इसमें इंजन कट ऑफ किल स्विच भी नहीं मिलता है। होना चाहिए यार, जब 110 cc की बाइकों में हीरो दे रहा है और बजाज दे रहा है और आपका होंडा भी दे रहा है, तो इस बाइक में भी होना चाहिए था। बाकी मुझे कोई ऐसा खास इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा नहीं है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट लगेगा तो मैं आपको इसकी राइडिंग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।